मतलब केवल शोर शराबा नहीं होता, रैप का मतलब केवल नकल नहीं होता, रैप का मतलब केवल पश्चिमी संस्कृति के वो ही नहीं होता, रैप का मतलब केवल इंग्लिश अल्फाज को डालना नहीं होता। एक साफ सुथरी सार्थक चीज जो जस्टिफाई करे एक उसको वो रैप। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो जो मीडिया है वो हवा होती है, जो लोग होते हैं, जो हमारे सुनने वाले दर्शक होते हैं, जो जनता होती है, वो हवा होती है। आप लोग उसको आंधी बन के फैला सकते, कम से कम हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता को अपने संगीत में रखो, क्योंकि संगीत ही हमारा सबसे बड़ा कल्चर है और उसी से हम लोगों की पहचान होती है पूरी दुनिया। बट जब आप एक प्राइवेट गाना करते हैं, प्राइवेट एल्बम के नाम से करते हैं, तो उसमें जो कुछ भी है तो आपकी धुन है और आपका ट्रीटमेंट है। और जब ये गाना हम लोगों ने कंपोज किया, मतलब लता जी के साथ बैठ के मैंने, तो कोई कठिनाई तो इसलिए नहीं हो सकती कि इतनी फिल्में कर चुका हूँ, बट गाना मासिस भी हो, अदबी भी हो और सुनने में भी कुछ अच्छा लगे, नया भी लगे। और मैं इसी तरीके से था कि जटा कटा है जम्बर में भरवन नलिम पनीर जरी भी लोल विच्चवल्लरी भी राजमान मूर्धनी धगत 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 वलल्ला टपट टपाव किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण उन्होंने, ये भी आपके एक रैप की सॉन्ग। हाँ, लिबास तो हर वक्त आपका चेंज होगा, मैं ये समझता हूँ मेलोडी वही रहनी चाहिए, संस्कृति वही रहनी चाहिए, प्रेजेंटेशन का अंदाज एक अलग होना चाहिए।